दूसरी लहर जाने के बावजूद भी लॉयंस क्लब का सेवा कार्य लगातार जारी है। इस बार लॉयंस क्लब ने मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखने वाली पुलिस की मदद की। रेलवे जीआरपी में शुद्ध पानी की किल्लत को दूर करते हुए वाटर प्यूरिफाई की मशीन लॉयंस क्लब ने पुलिस अधिकारियों को भेंट की है। लॉयंस के सदस्य और पेशे से सीए अंकुश जैन बताते हैं कि रेलवे पुलिस स्टेशन में उन्होंने देखा कि यहां शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्य किया है। ऐसा है कि सेवा तो मतलब जैसे मैं लायंस सीए अंकुश गुप्ता हूँ, मैं लायंस क्लब ऑफ मुंबई हेरिटेज गैलेक्सी का मेंबर हूँ और जब से कोविड चालू हुआ है तब से कोई ना कोई सेवा चली रही है। एंड जैसे मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये अंधेरी स्टेशन में ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है एक महीने में। तो हमने जीआरपी में आरपीएफ में हमने माइक्रोफोन दिए थे और टिकट विंडो और स्टेशन मास्टर में हमने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई थी। तो प्रोजेक्ट तो कोई ना कोई करना ही था, लेकिन क्या करना है दिमाग में नहीं था। तो मुझे चार दिन पहले यहाँ पे पुलिस साहब पाटिल साहब का फ़ोन आया मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे अंधेरी स्टेशन में वाटर कूलर की ज़रूरत है, तो आप कर पाएंगे क्या? तो मैंने इंस्टेंटली तो जवाब नहीं दिया, मैंने बोला मैं कल आके मिलता हूँ आपसे। तो मैं यहाँ आया था, मैंने यहाँ पे देखा था कि ज़रूरत है और इनका पुराना वाला ख़राब हुआ है, इन्होंने एप्लीकेशन किया है वो रिजेक्ट हुआ है। तो मैंने बोला चलो फिर यही सबसे बढ़िया चीज़ है कि पुलिस भाइयों को अपने मिल भी जाएगा और मेरा बेटे का बर्थडे भी अच्छे से बन जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आए वहाँ वहाँ हम ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन लगाएं। अभी देखिए ऐसा है कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र तो कहीं ना कहीं से सबको उपलब्ध हो ही रहा है, लेकिन एक जैसे टिकट भी अभी जैसे मुंबई में रेलवे चालू हो गया है जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है 15 अगस्त से, तो टिकट विंडो में जो स्टाफ है वो फुल स्ट्रेंथ पे आ रहा है टिकट इशू करने के लिए। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ वहाँ हम ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन लगा रहे हैं, जिससे कि कम से कम वो अपने सुरक्षा से काम कर सकें। अंधेरी जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दत्ता राय युवराज निकम बताते हैं उन्हें तकरीबन 2 साल से इस मशीन की आवश्यकता थी जो आज जाकर पूरी हुई है। 2 साल से हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको उल्टास का मशीन मिला था वो खराब हुआ था जी। उस दिन से हमारे पास कोई मशीन नहीं था, सभी लोगों को खुद के खर्चे से बिस्लेरी की बोतल ला के पानी शुद्ध पानी पीना पड़ रहा था, लेकिन लॉयंस क्लब की तरफ से जिस तरीके से हमको सहयोग मिला है और लॉयंस क्लब ने हमारे लिए जो सुविधा की, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रिया है उनका जी, कि उन्होंने हमारे लिए इतना ये काम किया। और इसके लिए हमने अभी ये प्रोग्राम में सिर्फ एक पीछे हमारा छोटा एक प्रोग्राम हुआ था सत्यनारायण पूजा का, उस टाइम में हमने जो लॉयंस क्लब के अधिकारी गण है उनसे विनती की थी कि हमारे लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वाटर कूलर का व्यवस्था कीजिए, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि ये बात को इतने जल्दी वो इतना सीरियसली लेके, और 4 ही दिनों में उन्होंने हमारे लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की है। सर आप सरकारी मुजालिम हैं, जिस तरह से जनता के सेवक हैं, ये बातें आप कमिश्नर जो जीआरपी कमिश्नर हैं कैसर खालिद साहब या उनकी टीम या वहाँ पे आप कह सकते थे, महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे सकते थे, लेकिन ऐसा ना करते हुए आपने लायंस क्लब को ही क्यों चुना, ये सवाल है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है, सरकारी पुलिस स्टेशन है, ये सरकारी व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था की तरफ से हमको पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हमको सरकार की तरफ से उल्टास का कूलर मिला था जी, जी। लेकिन वो खराब होने के बाद उसका ग्रांट का बड़ा प्रोसीजर होता है जी। और वो प्रोसीजर लंबा होने की वजह से हमने के एक चैरिटी की बेस पे लॉयंस को विनती किया था कि हमको जल्दी से जल्दी कूलर की व्यवस्था की जाए जी, और उन्होंने हमारे शब्द की मर्यादा रखकर हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके दिए, हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर एक सवाल जाते हैं कि ऐसे प्योरीफाई मशीन कई रेलवे स्टेशनों पर लगे हैं लेकिन उसकी रखरखाव नहीं हो पाती, वहाँ पर लोग थूक के चले जाते हैं, गंदगी मची रहती है, तो पानी पीने की मशीन लेकिन उसकी रखवाली कोई नहीं कर पाता है, तो इसके लिए आप क्या आपके जो पुलिस स्टेशन में किस तरह से इसकी रखवाली करेंगे? हमने इसके लिए पहले से ही नियोजित करके रखा है, हमने आज ये बहुत जल्दी में हो गया इसी वजह से, नहीं तो हमने यहाँ पे एक जाली की व्यवस्था किया है और उसके लिए
हम जितना जल्द हो सके उतना उसकी व्यवस्था और वो कम से कम 10 साल अच्छे कंडीशन में रहे, इसके लिए हम हमारे तरीके से पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम 10 साल ये ऐसे के ऐसा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, रेलवे पुलिस हमारी 24/7 सेवा में लगी रहती है और जैसा कि सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ रहती है जिसकी समय के अनुसार ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। और वाटर कूलर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन कभी भी कोई मशीन ख़राब हो गई या उस पर्टिकुलर मोमेंट में स्वच्छ जल कैसे मिले, इसके लिए एक वाटर कूलर की ज़रूरत यहाँ पे अंधेरी स्टेशन पे रेलवे पुलिस को काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। और हमारे सीए अंकुश गुप्ता और एडवोकेट एकता गुप्ता जब भी उनसे मिले तो उनको लगा कि ये सेवा हमको करनी चाहिए और उनके बेटे के पहले साल एक वर्ष पूरा होने पर उनके जन्मदिन पर उन्होंने सेवा कार्य किया। लायंस क्लब हेरिटेज गैलेक्सी ऐसे सेवा कार्य में हमेशा अग्रणी रहा है और एकता गुप्ता और अंकुश गुप्ता उनको ऐसी सेवा में बहुत अच्छा लगता है। तो हमें लगता है कि पुलिस, रेलवे और लायंस क्लब मिलकर काम करेंगे तो सेवा के बहुत सारे कार्य होते रहेंगे और ऐसे अवसर आते रहे, हमारी इच्छा है। जी, बहुत सही कहा आपने, पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है और आज जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं वहां पर शुद्ध पानी होना और पीना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ये कार्यक्रम हम यहां पर हैं। और अंधेरी जीआरपी जैसे हम बात कर रहे हैं तो उन्हें उनका एक रिक्वायरमेंट आया था हमारे पास कि उन्हें यहां पर वाटर प्यूरीफायर और कूलर चाहिए जी। तो हमारे लायंस क्लब ऑफ मुंबई हेरिटेज गैलेक्सी के लायंस ये अंकुश गुप्ता के पास जब ये रिक्वायरमेंट आई तो तुरंत उन्होंने कहा कि ये अति आवश्यक चीज़ है और हमें तो इनको अवेलेबल करा के देनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लायंस क्लब्स इंटरनेशनल एक विश्व सेवा संस्था है तो हम ये कार्य दिल से करते हैं और मानते हैं कि ये ज़रूरी है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो लायंस ये अंकुश गुप्ता है उनके बेटे का जन्मदिन भी है एकांश का, तो वो एक ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम अपने प्रियजनों का बर्थडे और इस तरीके से सेलिब्रेट करें, सेवा करके सेलिब्रेट करें। और अंधेरी जीआरपीएफ को हमारी तरफ से अगर छोटी सी भेंट मिलती है और उनका यहाँ पर जीवन अच्छा होता है पानी पीने से, शुद्ध पानी पीने से, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अंधेरी पुलिस स्टेशन से हमारे क्लब का बहुत पुराना रिश्ता है, हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं, भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी हमने यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव भी किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी हमने इसकी सारी ब्रांच में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो यहाँ पे अंकुश जो हमारे क्लब के मेंबर हैं उनके पास ये एक रिक्वायरमेंट आई इनकी कि हमें वाटर कूलर और प्योरीफायर की ज़रूरत है, तो हमने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और अंकुश के बेटे के फर्स्ट बर्थडे पे हमने ये दिन चुना उनको ये देने के लिए। और हम हमेशा ही ये देखते हैं कि निडी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तो हमें लगा कि ये है ज़रूरतमंद। तो ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट न्यूज़, मुंबई।